हेलो दोस्तों दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक स्विच लाया है, होममेड का स्मार्ट स्विच है। इसे आज कंप्लीट सेटअप करेंगे, कैसा लगाना है, क्या है, पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक और वाइट दो कलर में, और इनके बहुत सारे मॉडल है। आपको फोर गैंग वाला आता है, फैन आता है, कर्टन का आता है, टू वे 24 एम्पेयर का, डिमर और बेल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके बॉक्स के ऊपर दिए उन्होंने। और साथ में दोस्तों से 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है, और इसे आप अमेजोन से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये 1600 रुपये के प्राइस में पड़ा है, 100-200 रुपये इसका ऊपर नीचे होते रहता है। तो चलिए इसे खोलते हैं और इसके अंदर क्या क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक यूजर मैनुअल है, इसे देख के पता कर सकते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर दिया है, ये देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये कुछ इसी तरह दिखता है। और पीछे इसके बैक साइड में आपको न्यूट्रल, L1, L2, L3, L4 ऐसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्लेम है, फ्लेम के अंदर में वाइट कलर है। इंस्टॉल होने के बाद में आप निकाल सकते हैं, और पूरा टच स्क्रीन है। या फिर चार स्विच है, 1 2 3 4। और इसे अपना मेन बात यह है कि दोस्तों ये रोमा का प्लेट जो है आपका, बहुत सारा कंसील प्लेट के साथ में ये कंफर्टेबल है, सभी प्लेट में ये फिट हो जाता है आसानी से। तो आपको पुराना जो वायरिंग है, प्लेट है, उसे कुछ निकालना नहीं है। आपका जो रेगुलर दो मॉडल का स्विच आता है उसके अंदर ये बैठ जाता है, तो दो स्विच की जगह पे आपको ये चार स्विच यूज करने को मिलते हैं। इसका पूरा वायरिंग देखेंगे, पूरा कैसे वायरिंग करना है, सेटअप पूरा देखेंगे। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बार कोड स्कैन करके मोबाइल के अंदर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और वो ऐप के साथ में गूगल प्ले स्टोर में आपको ये बार कोड स्कैन करने के बाद में होममेड का ऐप मिलेगा, वो ऐप में आपको इसे सेटअप करना है। तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्विच बोर्ड खोल के इसे कैसे इंस्टॉल करना है देखते हैं। तो चलिए स्विच बोर्ड की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच बोर्ड अपना ओपन हो गया है, और अभी इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। खोलने से पहले दोस्तों इसका पावर सप्लाई ज़रूर बंद करें, पूरा स्विच ऑफ होना चाहिए मेन सर्किट से, चालू में से नहीं खोलना है। अगर आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप इसे बिल्कुल चालू में मत खोलिए, आपको करंट लग सकता है। बहुत ही रिस्की होता है, तो आप वीडियो देख के इसे मत खोलिए, कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसे लगवा लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, शुरू के जो चार दो स्विच है इसी को निकाल देंगे, और इसे ऑन ऑफ के लिए आपको एक मेन फेज लगेगा और एक न्यूट्रल लगेगा। यहाँ से एक न्यूट्रल बाहर निकालना है स्विच को सप्लाई के लिए यहाँ से, और दूसरा एक मेन फेज लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल लगाना है, उसके बाद में आउटपुट निकलेगा L1, L2, L3, L4 से, और PEL यहाँ पे लिखा है, यहाँ से फेज देना है आपको, लाइव वाला वायर, फेज लाइव वायर देख सकते हैं, जरा फोकस हो जाओ। तो ये इसी तरह है, तो चलिए इसे ये दो स्विच निकालेंगे और इसकी जगह पे इसे लगाएंगे। तो चलिए मैं लगा के लेता हूँ। सबसे पहले आपको दो स्विच निकालना है,
तो दो स्विच निकाल के एक लाइव वायर निकालता हूँ मैं और ये निकलता हूँ। चलिए इसे खोल के लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई आ रहा है, ये चालू सर्किट है ये। तो इसे क्या करेंगे, मैं निकालता हूँ। इसमें से एक जो है नीचे के फैन के सॉकेट का है, तो मैं क्या करूँगा इसे फ्रिज के सॉकेट के लिए निकालूंगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये मेन फेज है, इसमें से एक वायर लूप करेंगे। तो मैं करके लेता फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराने वाले दो स्विच निकाले हैं, ये देखिए यहाँ पर ये निकल गया है। दो स्विच रिमूव किया है, स्विच दूसरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्विच में ये लग रहा है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से रोमा, एंकर रोमा का जो प्लेट है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया है। बहुत ही बेहतरीन साइज है इसका, कोई इशू नहीं है साइज के बारे में। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन करते हैं। यहाँ से दो ट्यूबलाइट देंगे, एक टीवी का हब देंगे और एक जो है सॉकेट देंगे, उसके थ्रू आपका नाइट लैम्प, फैन, कोई भी जो सॉकेट में लगाएंगे वो चलेगा। तो चलिए मैं करके लेता हूँ। तो वायरिंग कंप्लीट हो गया है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक सॉकेट के लिए दिया है, एक सॉकेट के लिए जोड़ा है L3, और L1 L2 दो ट्यूबलाइट के लिए है, और एक बच रहा है मेरे पास, वो बाद में मैं टीवी को जोड़ूंगा। उसके लिए अलग सा हाफ लेके जाना पड़ेगा टीवी यूनिट तक। तो मेन कनेक्शन अपना रेडी है, जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये चालू हो जाएंगे सब। ये लाइव वायर है, आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई है, आपको बहुत ही संभाल के करना है। चालू लाइन है ये, तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ फेज की जगह पे। तो इसे पहले थोड़ा खोल के लेते हैं। इसे अच्छे से टूच मारेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर पावर आया है। देख सकते हैं ब्लू कलर का पावर आया है, बहुत ही अच्छा इसका
टच स्क्रीन है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन ही ऑन ऑफ होता है। इसका फ्लिप मैं बाद में निकालूंगा, तो चलिए इसे फिट करके लेता हूँ। बाद में इसका मैं एलेक्सा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। तो बोर्ड फिक्स हो गया है, चलो इसे लगा के लेते हैं। प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है। ऊपर का कवर लगा के लेते हैं। प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया है, ये देख सकते हैं। बाद में इसका फिल्म निकालूंगा मैं, व्हाइट कलर में है तो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट चालू हो रहे हैं। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, वहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, ये नीचे वाले दो स्विच है, एक सॉकेट का है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, फैन विन। देख सकते हैं फैन चालू हुआ है अपना। फैन बंद हो गया, ये वाला ही सॉकेट में दिया है और ये दो ट्यूबलाइट का है। तो चलिए अभी एलेक्सा का सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टाइम लगाने के बाद में आपका जो बीच वाला एलईडी है वैसा ग्लो करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो कोई भी एक बटन आपको 7 सेकंड दबा के रखना है, उसके बाद में ये छोटा सा एलईडी दिख रहा है आपको, ये बंद चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके बाद में आपको मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, माय होम मैट स्मार्ट करके। ये आपको बारकोड से भी मिलेगा बॉक्स के ऊपर या गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा। तो सबसे पहले इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड डिवाइस आ रहा है। इसे ऐड डिवाइस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस टू बी एडेड। तो मैंने पहले से ऐड किया था आपको दिखाने के लिए, वापस से कर रहा हूँ। तो वापस से जाएंगे गो टू ऐड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 स्विच वाला ऐड है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करके ये प्लस वाले पे ये करते हैं, और वाईफाई आपको जो भी है ये आपका वाईफाई नेम और ये देना है, उसके बाद में इसे कंफर्म करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस फाउंड आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस एडेड सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पर नाम देंगे डिवाइस का, ही पेंसिल वाला आइकॉन में आपको जो भी नाम चाहिए हो नाम दे सकते हैं। ये सेव हो गया, ये देख सकते हैं एडिट और डन कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्विच आ गए हैं और साथ में ऑन ऑफ भी हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे ऑल ऑन ऑल ऑफ का भी स्विच दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ऑन और ऑल ऑफ भी हो रहा है। इसके साथ में ये अरे स्मार्ट स्विच इंस्टॉलेशन वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते ही कोई अच्छा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।